तो मोटो जी 73 फ्लिपकार्ट के अंदर आ चुका है और इसका सेल कुछ दिन के अंदर ही शुरू होने वाला है। तो आज की इस वीडियो पर देखेंगे मोटो जी 73 और रियलमी 10 प्रो में कौन सा आपको सबसे बेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर दोनों फोन के कलर ऑप्शन और डिजाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोनों फोन का कलर ऑप्शन और डिजाइन आपके सामने है। और यहाँ पर अगर वेट एंड थिकनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर वेट एंड थिकनेस के मामले में दोनों फोन लगभग सेम है, लेकिन हल्का सा ज्यादा लाइट वेट आपको मोटो जी 73 देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 73 5G के अंदर 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ साथ ही में HDR 10 का सर्टिफिकेशन और पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। और Realme 10 Pro 5G की डिस्प्ले की अगर बात करते हैं तो पर आपको 6.7 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ। और यहाँ पर आपको HDR 10 का सर्टिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिलता साथ ही में, और यहाँ पर आपको कोई भी ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। और ब्राइटनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर ब्राइटनेस में आपको कोई भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो डिस्प्ले के अंदर मोटो जी 73 का डिस्प्ले आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले पसंद है तो यहाँ पर आपके लिए रियलमी 10 प्रो का डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं। और उसके बाद अगर बैटरी एंड चार्जिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर 5000 एमएच की बैटरी दिया गया है और मोटो जी 73 के अंदर 30 वाट का चार्जर और रियलमी 10 प्रो के अंदर 33 वाट का चार्जर दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों फोन का जो चार्जिंग है वो आपको लगभग सेम ही देखने के लिए मिलेगा, उतना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। और उसके बाद अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 73 5G के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 930 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इस फोन के अंदर पहला प्रोसेसर है। और यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है 6 नैनोमीटर पर देखने के लिए मिलता है। एंटूटू स्कोर आपको लगभग 4,32,000 के आसपास देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको LPDDR4X RAM और UMCP का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिलता है। और Realme 10 Pro की बात करते हैं यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 देखने के लिए मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर पर है। एंटूटू स्कोर इसका 4,00,000 के ऊपर है। इसके अंदर LPDDR4X RAM और UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों फोन आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर मोटो जी 73 का जो प्रोसेसर है वो आपको काफी बेटर देखने के लिए मिलता है Qualcomm Snapdragon 695 से। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में मोटो जी 73 आपको बेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। और 5G बैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 73 के अंदर 13 5G बैंड्स और रियलमी 10 प्रो के अंदर 7 5G बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5G बैंड्स के मामले में भी मोटो जी 73 आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद UI मतलब यूजर इंटरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 73 के अंदर MyUX देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक साल का एंड्रॉइड अपडेट मतलब एंड्रॉइड 14 देखने के लिए मिलेगा, साथ ही में 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने के लिए मिलेगा। रियलमी 10 प्रो की बात करते हैं यहाँ पर भी आपको एंड्रॉइड 13 देखने के लिए मिलता है रियलमी UI 4.0 के साथ। यहाँ पर आपको काफी सारे ब्लॉटवेयर और रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलते हैं। और अपडेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कितने एंड्रॉइड अपडेट और कितना सिक्योरिटी अपडेट देखने के लिए मिलेगा ये मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर UI के मामले में और अपडेट्स के मामले में मोटो जी 73 आपको थोड़ा सा बेटर देखने के लिए मिलता है। उसके बाद अगर कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 73 के अंदर 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर जो कि अल्ट्रा पिक्सल टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, मतलब आपको फोटोज की क्वालिटी काफी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। और ये जो 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड लेंस ये सेंसर आपका 3 सेंसर का काम करता है। कैसे? इस सेंसर के अंदर ऑटो फोकस है, इसकी मदद से आप मैक्रो शॉट भी ले पाएंगे। साथ ही में अल्ट्रा वाइड लेंस डेप्थ सेंसर का काम करता है, मतलब यहाँ पर 2 कैमरा सेंसर है लेकिन ये 2 सेंसर 4 सेंसर का काम करता है। और रियलमी 10 प्रो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने के लिए मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप इसे एक ही सेंसर मान के चलिए। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में मोटो जी 73 आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आपको ज्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए रियलमी 10 बेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो पर अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं है और आप मैक्रो शॉट भी नहीं खींच पाएंगे। और याद रखिए दोस्तों, अगर कैमरे का मेगापिक्सल ज्यादा होता है तो उससे आप उस कैमरा से खींची हुई फोटो को ज्यादा जूम कर पाएंगे। ये नहीं कि अगर कैमरे का मेगापिक्सल ज्यादा है तो फोटो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। इसी वजह से आईफोन के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल ही देखने के लिए मिलते हैं, मतलब जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा आप उतना ही फोटोज को जूम कर पाएंगे। और सेल्फी कैमरे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फोन का सेल्फी कैमरा आपको सेम देखने के लिए मिलता है 16 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर कैमरा के मामले में आप देख ही सकते हो मोटो जी 73 आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद अगर मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर डुअल स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं और दोनों फोन के अंदर हेडफोन जैक लगाने का ऑप्शन है, लेकिन मोटो जी 73 के अंदर आपको और एक एडवांटेज देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट दिया गया है। और उसके बाद अगर सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर आपको सभी सेंसर्स देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है। तो उसके बाद अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर मोटो जी 73 का एक ही वेरियंट है 8GB+128GB जो कि 19,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है विदाउट बैंक ऑफर। और Realme 10 Pro 5G का 2 वेरिएंट है 6GB+128GB जो कि 19,000 रुपये में है और 8GB+128GB जो कि 20,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है विदाउट बैंक ऑफर। तो दोस्तों आप बात करते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए।
अगर दोस्तों आपको Realme का फ़ोन पसंद है और आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले चाहिए और साथ ही में 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा चाहिए तो फिर आपके लिए Realme 10 बेटर होने वाला है। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट डिस्प्ले साथ ही में अच्छा खासा प्रोसेसर साथ ही में आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए और साथ ही में एक बेस्ट कैमरा सेटअप चाहिए और Dolby Atmos का भी सपोर्ट चाहिए तो अगर आपके लिए Moto G73 बेटर होने वाला है। और साथ ही में सेम प्राइस के अंदर इसके अंदर आपको 2GB रैम ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी Moto G73 आपको देखने के लिए मिलते हैं और आगे आपकी मर्जी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।